नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। एक बार फिर हम ज्ञान मंदिर रोड पे हैं, बदरपुर विधानसभा के अंदर। यह बात करेंगे दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए एक अभियान उठाया है समीर मंसूरी ने, उसको लेकर के इनसे बात करेंगे। दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया आपने। मैं आप सभी दिल्ली वासियों को सलाम पेश करता हूँ और मैं आज आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ और तमाम क्षेत्रवासियों को करता हूँ। आज इस जैतपुर के मदीना मस्जिद चौक बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है, मेरा निवास स्थान भी यही है। मैं पूरे दिल्ली में इस नशा के खिलाफ आज नवंबर दिसंबर से मैं तमाम मंत्रालय को, तमाम अधिकारियों को लिखता आ रहा हूँ। मुझे लेटर भी आता है मेरे नाम से, लेकिन वो सिर्फ मुझे इस तरीके से आता है कि इसमें ACP DCP पर्सनल क्राइम ब्रांच आपका काम कर रहा है, लेकिन आज तक किसी पुलिस प्रशासन ने हमसे नहीं पूछा कि आपके क्षेत्र में कहाँ क्या हो रहा है। तो हमने अभी अभियान फिर से लेटर दिया है सभी जगह। मैं सारे अपने SHO को, DCP को, ACP को, सबको दिया है, पुलिस आयुक्त को, कि मैं पूरे दिल्ली में ये आह्वान करूँगा अनिश्चितकालीन नशा मुक्त अभियान। जब तक ये दिल्ली नशा मुक्त नहीं हो जाएगा और जब तक मैं जीवित रहूँगा, मेरे इस जिस्म में जान रहेगा, मैं इसके लिए पूरे दिल्ली में संघर्ष करने का काम करूँगा। आज मैं अपने इस क्षेत्र से, मैं पहले चाहता हूँ कि अपने इस विधानसभा क्षेत्र को, बदरपुर को, एक सुरक्षित नशा मुक्त क्षेत्र बनाओ। पहले अपने इस जैतपुर से लेकर बदरपुर तक के हमारे यहाँ भी कई अपने अभियान चलाया है। यहाँ के निगम पार्षद हैं, MLA हैं, उन्होंने आज तक ये आवाज़ नहीं उठाई। देखिए, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता को इस मंच पे लाना नहीं चाहता हूँ और मैं ये मंच के माध्यम से नहीं, मैं एक संगठन के माध्यम से, दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ 80% मजदूर वर्ग के लोग हैं। हम लोग 80% यहाँ दिल्ली में रहने वाले मजदूर हैं। हम मजदूर, दिल्ली मजदूर संगठन के प्रेसिडेंट हैं और ये पूरा दिल्ली मजदूरों का है। और नेता जो भी बनता है वो अपनी जेब भरता है, नेताओं को इन तमाम चीज़ों से उनको फुर्सत नहीं होता है। एक दिन के लिए लोगों को हाथ जोड़ते हैं, 365 दिन वो लोगों से हाथ जोड़वाते हैं, तो इस तरीके का काम हम नहीं करते हैं। हमारा काम है संघर्ष करना। और साथियों, ये राजनीतिक मैटर है, राजनीतिक मैटर से हमारा काम नहीं है। वो वोट आप किस पार्टी के देना चाहते हैं, किस पार्टी के समर्थक है, हमें उससे कोई लालच नहीं है, हम आपसे वोट मांगने आप देख रहे हैं समीर मंसूरी निस्वार्थ आवाज़ उठा रहे हैं। और ये मुहिम कहाँ तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी मुहिम? ये पूरे दिल्ली तक जाएगी। मैंने जंतर मंतर से दे चुका हूँ धरना प्रदर्शन करके, और अब अगली बार इंशाल्लाह मैं पूरे मदद करेंगे आप लोग, और आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में, दिल्ली नशा मुक्त के लिए पूरे दिल्ली के क्षेत्रवासी, कच्ची कॉलोनी, झुग्गी झोपड़ी, इन नशा से सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। इसके खिलाफ दिल्ली के तमाम 1794 कॉलोनी जो अनऑथराइज है, उस अनऑथराइज कॉलोनी में रहने वाले लोग और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग इस दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐलान करेंगे दिल्ली नशा मुक्त होगा। और दिल्ली के लोगों को इंसाफ चाहिए, हमें बहुत सारी ऐसी इंसाफ नहीं मिल रही है। बदरपुर विधानसभा में छोटे छोटे 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, सिरोचन सूखने का काम है उनका। ये बहुत बड़ा ये सूखा नशा जो चला है, इस पर क्या काम करेंगे? ऐसी कई घटनाएं हैं, इंजेक्शन लगाना, गोलियां आती है, सुलेशन आता है, गाजा, चरस, अफीम, सूंघने वाला, पीने वाला, खाने वाला, और तमाम चीजें हैं जो हम आप जानते भी नहीं हैं। तो इसी के लिए तो मैं आवाज़ उठाया है, और इस आवाज़ को उठाएंगे, जहाँ भी इस तरीके का कारोबारी मिल जाएगा, जहाँ भी ऐसे कारोबारी मिलेगा, उसके खिलाफ हम लोग, खुद हमारा संगठन उस आदमी को मारने पीटने का भी काम करेगा। मैं ऐलान करता हूँ, पुलिस मुझे बंद कर दे, मैं उसे लिखित में दे रहा हूँ, अगर कोई नशा बेचने वाला मिल जाएगा तो मैं उसे खींच के मारने का काम करेगा। मेरा भाषण के दौरान आपने कहा था जो दिल्ली पुलिस है उसको सब पता है नशा कहाँ बिकता है। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मैं दिल्ली के बड़े मन से कहूँगा, अभी भी कहूँगा कि पुलिस को सब चीज पता होता है। ये एक लेटिंग के टैंक अंदर बनता है, बुनियाद खोदा जाता है। दिल्ली के कमिश्नर ने कहा कि अनऑथराइज कॉलोनी में, कोई पेपर में आया था, दिल्ली के कमिश्नर ने कहा कि दिल्ली में जो भी अनऑथराइज कॉलोनी में काम हो रहा है, तो पुलिस का उससे कोई लेना देना नहीं है। पुलिस किसी का काम न करवा सकता, न रुकवा सकता, जिस डिपार्टमेंट का है वो डिपार्टमेंट देखेगा, लेकिन दिल्ली के कमिश्नर की बात नहीं माना इन पुलिस ने। और इस क्षेत्र में लिंटर पे, बुनियाद पे, काम होने पे आज भी पैसा ले रहे हैं। तो इन तमाम कामों को मैं नहीं जानता,
पुलिस रात दिन घूमते हैं। आज मैं देखिए जो बात सच है उसको कहना पड़ेगा, बिहार के अंदर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने दारू का काम रुकवा रखा है, पीने नशे का। आज बिहार में जो शादी विवाह होता है तो लोगों की बारात में हिम्मत नहीं, दारू पियेंगे सूंघ आ जाता है, सूंघ करके उसको जो है बंद करा दिया जाता है। चोरी से कोई भी कुछ भी करे लेकिन रोका हुआ है, कानूनन तो रोका हुआ है। उत्तर प्रदेश के प्रशासन इतनी टाइट है, मानना पड़ेगा जो काम सच्ची है, जो गलत करेगा उसका गलत है, जो अच्छा करेगा अच्छा है। आज उत्तर प्रदेश की पुलिस अच्छा काम कर रहा है, जहाँ चौराहे पे लूट मार खसोट होता था, लोगों की गाड़ियां लूट ली जाती है। आप कितनी रातों रात जाइए किसी हाईवे पे कोई आपको छू दे, ये उत्तर प्रदेश की प्रशासन की देन है, उसकी तारीफ करनी होगी। और दिल्ली देश की राजधानी है, वही आपके प्रशासन सबसे घटिया प्रशासन है, दिल्ली का प्रशासन सबसे घटिया प्रशासन है। आज दिल्ली के प्रशासन ने चाह जाए तो जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय तमाम न्यायालय के बीच में तमाम जजों के बीच में रहने वाला पदाधिकारी और उसको वहां के जो है प्रशासन लूज होगा, क्या कोर्ट के अंदर गोलियां मार दी जाएगी? दिल्ली के अंदर ऐसा देखा जा रहा है, कोर्ट के अंदर गोलियां मार दी जाएगी, दिल्ली के कोर्ट के अंदर गोलियां मारी जा रही है और फिर भी यहाँ के प्रशासन चुप है। लॉ एंड ऑर्डर कमजोर है दिल्ली का, बिल्कुल कमजोर है। मैं इसके खिलाफ भी तो संघर्ष कर रहा हूँ, अगर आज मैं बोल के आया हूँ, आज भी मैं लिखित में उनसे जो है लेके आया हूँ कि मैं मदीना मस्जिद चौक पे नशे के खिलाफ प्रदर्शन करने जा रहा हूँ, मैं वहाँ पे अपना कैंप लगाने जा रहा हूँ। आप अपने प्रशासन को भेज दीजिएगा दिल्ली के अंदर, आप दिल्ली को नशा मुक्त करने के लिए किस तरह का काम करेंगे? हम अपने साथियों को जो बच्चे नशे में आदि हो गए हैं या जो परिवार ऐसे परेशानियां झेल रहे हैं, लोगों ने सरकार ने क्या किया है, नशा मुक्ति केंद्र खुलवा रहे हैं, नशा मुक्त नहीं कर रहे हैं, नशा मुक्ति केंद्र खुलवा रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि उस गवर्नमेंट उसको फंडिंग कर रहा है, नशेड़ियों को उसमें ले जाकर बंद कर दीजिए, आप अपने बच्चे को बंद कर, पैसा कमाने की मुहिम चला रखिए, नशे जवान जवान बच्चे को नशे की उसमें जाके आप बंद करके आइए और वहाँ से आने के बाद बच्चा फिर नशेड़ी बन जाए, क्या करेंगे? तो हम जो है अपने लोगों को समझाने आए हैं, अपने जनता को, अपने भारतीयों को जगाने के काम करेंगे। आप पूरे दिल्ली के क्षेत्र के लोगों को जगाने का काम करेंगे, युवा को समझाने का काम करेंगे, बच्चों को समझाने का काम करेंगे। हमारा किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हम तो एक अच्छा साफ सुथरे दिल्ली देखना चाहते हैं, क्यों हम लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से दिल्ली को बसाया है, बड़ी मेहनत से दिल्ली को दिल्ली बनाया है, तो आज दिल्ली को बर्बाद होने नहीं देंगे। इसके लिए ऐलान करते हैं कि रामलीला मैदान में नशा मुक्ति के लिए हमारा संगठन काम करेगा और अगला प्रदर्शन जरूर करूंगा, पहले मैं दिल्ली के जन जन को जगाने का काम करूंगा। ये थे हमारे साथ समझ मसूरी, इनका यही कहना है कि दिल्ली जो लॉ एंड ऑर्डर जो है दिल्ली का कमजोर है। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।